हिंदुस्तान के सरजमीन पर पहला मुस्लिम राजा जिसने चांद के टुकड़ों को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। ये बात है आज से 1400 साल पहले की, जब केरल राज्य के राजा चेरामन अपने वाइफ के साथ नहर के चारों तरफ घूम रहा था। उसने देखा कि अचानक आसमान में चांद के दो टुकड़े हो गए, जिससे देखकर चेरामन हैरान हो जाता है। आखिर चांद के दो टुकड़े कैसे हो सकते हैं? सुबह हुई, उसने राज्य के तमाम नजूमियों को बुलवाया, इस बारे में पूछा, लेकिन चेरामन को इसका जवाब नहीं मिला। कुछ दिन बाद अरब के ताजिर आए, चेरामन उनसे इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा, इस कारनामे को करने वाला कोई और नहीं, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अगली सुबह चेरामन ने अपने घोड़े तैयार कराए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने अरब के सफर पर निकल पड़ा, जहां उसकी मुलाकात इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होती है। और चेरामन को अपने सारे जवाब मिल जाते हैं और इस्लाम कबूल कर लेता है, और चेरामन से उसका नाम ताजुद्दीन पड़ जाता है। इस तरह चेरामन हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम बन जाता है। तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।